हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो मैं टॉपिक टच करने वाला हूँ ना यार, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनना इस चीज़ को एंड पेशेंटली सुनना। बट टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो मुझे करनी है। अगर आप बॉडी को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो बॉडी के लिए कुछ चीज़ें असेंशियल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फूड की बात करूँ तो बॉडी के चलने के लिए सबसे ज़्यादा असेंशियल चीज़ है, इसको खाना मिलेगा तो ये चलता रहेगा। ऐसे ही अगर मैं ब्रेन की बात करूँ तो ब्रेन के स्तर पर भी कोई चीज़ असेंशियल होती है, वरना वो चल नहीं पाएगा। अगर ब्रेन को आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो उसके लिए वो चीज़ इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो भी आप अपने सेंसेस के थ्रू कंज्यूम करते हो उसको वो मेमोरी में फीड कर लेता है, उसी को थॉट्स पूरा, मतलब पूरे बंच ऑफ थॉट्स उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जो भी फ़ोटोज़ फ्लैश होने देते हो अपनी आँखों के आगे से, जो भी आप कानों के थ्रू सुनते हो, जो भी आप टेस्ट करते हो, एवरीथिंग ये पूरी एक्यूमुलेट होकर आपका ब्रेन बनाती है। सो जो इन्फॉर्मेशन की बात है, अगर आप उसको और डीप में जाके समझोगे तो इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर मैं बॉडी के स्तर पे हूँ तो खाना लोग बेचते हैं आपको, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको बेची जाती है कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी रिसोर्स से। अब आते हैं इसके अंदर क्या क्या बुरी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम सोचने में आए तो। जैसे फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री इज़ एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव, मतलब लोग आपको जहर भी बेचेंगे, बस आपके मुँह के स्वाद को अच्छा लगना चाहिए, और लोग ख़रीदते भी हैं। देखा होगा आपने, इतना ख़राब से ख़राब खाना होगा बट लेकिन आपके मुँह को अच्छा लग रहा होगा और आप खरीदोगे। सेम गोज़ फॉर इंफॉर्मेशनल मीडिया, मतलब जैसे ही सामने वाला ये जान जाता है कि आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जा सकता है, सामने वाला ऑटोमेटिकली मैनिपुलेटिव जोन में आया था कि यार अब इस चीज़ को कैसे रचूं कि आपके दिमाग को मैनिपुलेट किया जाए। एंड अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया हो, यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन को इतने बढ़िया तरीके से, मतलब उसको मोल्ड किया जाता है कि आपके दिमाग को थोड़ा टेम्परेरी प्लेजर मिले, आपको अच्छा लगे, और वो माल बेच के आपके आगे से निकल जाएंगे। आज इसी के बारे में बात होने वाली है कि हाउ यू नो इट टॉक्सिकेट्स योर ब्रेन, एंड इसलिए मैंने कहा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो यूथ है जो मुझे सुन रही है। सो प्लीज़ इसको बड़े आराम से सुनना, लेट्स स्टार्ट। तो बात करते हैं कि सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन आती है उससे मतलब क्या क्या हो सकता है। एक तो था यार कि मैं ऊपरी ऊपरी स्पीकर्स की तरह बात करूं कि देखो इस फ़ोन के थ्रू कितना कुछ अचीव किया जा सकता है, हाउ मेनी पीपल कम क्लोज़र सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़ मीडिया से इन्फॉर्मेशन कितनी जल्दी कम्युनिकेट हो जाती है एंड ऑल। बट ये काम मैं सारा दूसरे स्पीकर्स के लिए छोड़ता हूँ, मेरा काम है उसको जड़ में जाना। और जब मैं उस चीज़ के जड़ में गया ना, तो आई हैव, मतलब मेरे पास बहुत सारे ऐसे कंसर्न्स आए जो लोगों को पता भी नहीं है, मतलब कि उसके बारे में अगर आप अवेयर हो जाओ तो शायद आज ही आप सोशल मीडिया छोड़ दो। सो माय जॉब इज़ टू गेट इनटू क्रक्स। सो आज मैं आपसे कंसर्न शेयर करूंगा और उसके बाद सोल्यूशन शेयर करूंगा। सो द फर्स्ट कंसर्न दैट आई एम गोइंग टू टच टुडे इज़ कि यार आपकी ना इनर जो पीस है, जो इनर पेशेंस है, वो बहुत डिस्टर्ब रहती है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। अब पॉइंट आता है कि कैसे, बड़े ध्यान से देखना इस चीज़ को। आजकल की इंडस्ट्री जो है ना, एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री देखो कितने छोटे स्तर पे आ चुकी है आजकल ना, एंटरटेनमेंट एक एक मिनट एक एक सेकंड पे आ चुकी है, तभी तो ये तीन तीन घंटे की फिल्में ज़्यादातर फ्लॉप हो रही हैं। पीपल आर एडिक्टेड टू, मतलब हर एक मिनट में उनको एंटरटेनमेंट चाहिए। अब उनको ऐसा नहीं है कि मैं आराम से किसी चीज़ को बैठ के समझता हूँ, नहीं, उनको क्या है, हर एक मिनट में कुछ नया आना चाहिए, तभी तो ये टिकटॉक या इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा चलते हैं। अब मैं इस चीज़ को और थोड़ा डीपली टच करता हूँ कि कंसर्न क्या है एक्चुअल में। देखना, अगर सपोज़ करो एक टीनेजर है जिसके आगे अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, उसको फैमिली संभालनी है, रिलेशनशिप संभालना है, अपना करियर संभालना है, एक ऐसा लड़का जो दिन से लेकर रात तक इंस्टाग्राम पे लगातार इन्फॉर्मेशन ग्रैब करता है, एंड इतने माइन्यूट सेकेंड्स पे करता है। जैसे सपोज़ करो कि वो लड़कियाँ चेकआउट कर रहा है, तो उस चेकआउट में हर थोड़ी देर बाद उसकी अट्रैक्शन पॉइंट बनती है, अट्रैक्शन पॉइंट बदलती है, हर मतलब हर सेकेंड में उसके दिमाग की इम्पल्स चेंज होती है। दिस इज़ कॉल्ड बींग इम्पेशेंट। आपको पता भी नहीं लग रहा आपका दिमाग कितना इम्पेशेंट होता जा रहा है। आपको लगता है ये लड़का बड़े होके लाइफ में कभी भी किसी से भी ठहर करके प्यार कर पाएगा, मतलब आराम से, बिकॉज लव नीड्स हेल लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत पेशेंस चाहिए होती है लव के अंदर, बिकॉज आपको सामने वाले को समझना पड़ता है, उसकी खामियों को, उसकी स्ट्रेंथ्स को, सबको अपनाना पड़ता है। आपको लगता है एक ऐसा लड़का जिसके ब्रेन को आदत है लगातार किसी न किसी की तरफ देखने की, अट्रैक्ट होने की, फिर छोड़ने की, ये कभी भी किसी से ठहर करके प्यार कर पाएगा? अब आप इसी चीज़ को इम्प्लाय वहाँ भी कर सकते हो, क्या करियर में कभी भी रुक करके उस चीज़ को समझ पाएगा? मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ इस, मतलब अपने लेक्चर्स में सारे पेशेंस के ऊपर, बिकॉज पेशेंस इन इट्स, पता नहीं लोगों को क्यों ये चीज़ छोटी लगती है। पेशेंस से आप हर वो चीज़ कर सकते हो जो लोग सिर्फ सोचते हैं करने की, बिलीव यू मैं बड़े स्ट्रांगली बोल रहा हूँ इस चीज़ को। आपको लगता है क्या ये लड़का कभी भी लाइफ में पेशेंट होके आराम से बैठ करके उस चीज़ को समझ पाएगा? इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो पेशेंस तक तो ठीक है, पेशेंस तो चलो डिस्टर्ब हो ही रही है। एक और चीज़ है जो बड़ी डिस्टर्ब रहती है, वो है आपके इमोशंस।
अगर आप इमोशंस को डीकोड करो तो उसको बोलते हैं एनर्जी इन मोशन। आजकल बड़ा चलता है व्हाट्सएप के ऊपर रिलीजन बेस्ड भड़काऊ बातें भेजी जाती हैं आपको। वो कौन से रिलीजन और किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि क्या सच है क्या नहीं है वो आधे से ज़्यादा लोग खुद भी नहीं जानते हैं। बट मेरा पॉइंट क्या है कि आपकी जो मोशन है पूरा, मतलब आपका जो इमोशन है ना, उसको ट्रिगर किया जाता है थ्रू इन्फॉर्मेशन। जैसे अगर आप ध्यान से जाओ ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो आपने ये बड़ा होते हुए देखा होगा, मतलब कि एक तो होते हैं वो लोग जो अपने पूरी पार्टी की बढ़ोतरी कर रहे होते हैं, अपने पूरे लीडर को प्रमोशनली मतलब दिखा रहे होते हैं कि कैसे ये अच्छा अच्छा काम करेगा। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले लीडर को गिराने के लिए आपको मैसेजेस कर रहे होते हैं, है ना, कुछ हंसी मजाक कर देंगे या कुछ निकाल के ले आएंगे कहीं से भी डब्ड वीडियो, ताकि अब कुछ लोग क्या कहेंगे, यार अच्छा हम तो देखते हैं बट लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता। बट बिलीव यू में कितने लोग होते हैं जिनके पास वो मैसेजेस इतनी बार भेजे जाते हैं कि उनकी थॉट ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब जो उनका इमोशन है जो किसी पार्टी के लिए शेयर करते हैं वो पूरे का पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब सेम चीज़ रिलीजन में भी होती है, सेम चीज़ हर जगह पे हो रही होती है, 24/7 हो रही है। आजकल लोगों ने आदत बना ली है कि मतलब इतनी बार उस मैसेज को फ्लॉन्ट कर दो किसी भी ग्रुप में या किसी भी जगह पे, कि लगातार आदमी उसी बारे में सोचता रहे और उसका जो इमोशन है वो ट्रिगर हो जाए उस डायरेक्शन में। दैट इज़ समथिंग दैट इज़, मतलब आप ये देखोगे अपनी बॉडी में आपका पॉइंट ऑफ व्यू कितना कमज़ोर है, कि वो कितनी जल्दी अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है आपका इमोशन। ये एक प्रॉब्लम है, ऐसे लोग कभी भी अपनी थॉट की रियलिटी पे रह नहीं पाते, वो मुश्किल भी हो जाती है आने वाले टाइम के लिए। कभी भी आप बड़े हो गए या जब भी आप काम करने बैठोगे तो ऐसे लोग बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाएंगे, आदत पड़ जाएगी। यहाँ पे इसी बारे में मेरे को था कि यार ये कंसर्न शेयर करना चाहिए, क्योंकि जब लोग यूज़ कर रहे होते हैं तब शायद इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। सुनना हो, जो दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ वो है कि कंपैरिजंस अराइज होने लगते हैं। अब इस चीज़ को बड़े डीपली समझिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पूरे कंसर्न में से, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब मैं इसके बारे में समझ रहा था तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि लोग किस ट्रॉमा के थ्रू जाते हैं। देखना बड़े ध्यान से कि पीपल स्टार्ट जजिंग देयर लाइव्स बाय सीइंग समवन एल्सेस पोस्ट, मतलब कि आप अपनी रियलिटी को किसी और की वर्चुअल रियलिटी से कंपेयर करने लगते हो, और एक्चुअल में ये करना ही बहुत गलत बात है। आप सामने वाले की पोस्ट को देख के अपनी लाइफ के बारे में कोई भी जजमेंट पास कर देते हो, जबकि उन दोनों में कोई रिलेशन है नहीं। मतलब अगर आप सोशल मीडिया को बहुत ध्यान से देखो तो 90% ऑफ द पीपल आर फेकिंग देयर लाइफ्स, मतलब चाहे वो मेकअप के थ्रू हो, फिल्टर के थ्रू हो, किसी भी XYZ कोई भी तरीका हो, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर शोइंग देयर लाइफ्स एज परफेक्ट। मतलब आपको उनकी प्रोफाइल देख के लगे यार इसकी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, और अक्सर लोग ये जजमेंट पास करते भी हैं कि मेरी लाइफ में कितनी दिक्कतें और इसको देखो। अगर आप थोड़े समझदार हो और आपका इंटेलेक्ट काम करता है, तो क्या आप अपने अंदर एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि इज़ देर एनी वे कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट हो सकती है? इज़ देर एक्चुअल में, क्या सच में ऐसा कुछ है? मैंने बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी जो मैं यहाँ शेयर करूँगा, कि लाइफ इज़ नॉट ब्लैक और वाइट, इट इज़ ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट। मतलब हर एक लाइफ के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी और बुराइयाँ होंगी। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अच्छाई अच्छाई है या सिर्फ बुराई बुराई है, नहीं, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल के ऊपर, जहाँ पे वो, अगर आप क्रिएटर हो या आप नॉर्मल एक इंसान हो, आप पोस्ट करते हो, तो आप हमेशा अपनी बेस्ट पिक्चर पोस्ट करते हो ना, जो जिसमें आप सबसे बेहतरीन लग रहे होगे, या आप अपनी सबसे, जिसमें आप सबसे घटिया लग रहे हो, बेकार लग रहे हो, आप वो पिक्चर अपलोड करते हो। यहीं से फेकनेस शुरू हो जाती है। अब यार जो पोस्ट कर रहा है क्या उसकी कोई गलती है? नहीं, उसकी मर्जी, वो जैसे मर्जी पोस्ट करे, जिस मर्जी तरीके से अपनी प्रोफाइल को मैनेज करे। प्रॉब्लम कहाँ है? जब आप, जो इंसान कंज्यूम कर रहा है उस फोटो को, उसकी वजह से जो अपनी लाइफ में कंपैरिजन्स पैदा करता है ना, रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की, वहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़की है, सपोज करो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, सब कुछ है, एंड इस लड़की को प्रोफाइल को देख के दूसरी लड़की ना हर बार एक जजमेंट पास करती है, यार मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ, मेरे इतने फॉलोअर नहीं है। अब देखना, हो सकता है रियलिटी टर्म्स पे इस लड़की के पास पैसे की कोई इशू ही नहीं है, मतलब वो हर फोटो के ऊपर 10,000 रुपये ऐसे ही लगा सकती है प्रमोट करने के लिए। और इस लड़की की लाइफ में जो यहाँ पे एक्चुअल में पैसे की थोड़ी दिक्कत चल रही होगी, ये उस दिक्कत को ना सोचते हुए क्या सोच रही है कि यार उसके सिर्फ फॉलोअर हैं, इनऑल इसने सिर्फ एक जजमेंट पास करी है। यू डोंट नो व्हाट द एक्चुअल रियलिटी इज़ ऑन द ग्राउंड लेवल। हो सकता है कि आपकी लाइफ में पैसा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले वो सॉल्व करना चाहिए, सब बाद में होता रहेगा। आजकल ये बड़ा चलता है कि ये पूरी सोशल मीडिया इंडस्ट्री, अगर आप ध्यान से देखोगे, इट इज़ बेस्ड ऑन लुक्स। लुक्स पे बहुत ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, मतलब जिम फिटनेस और ये सब बड़ी प्रमोट हो रही हैं, तभी 8 packs एंड ऑल सब कुछ, लोगों के हिसाब से यही अल्टीमेट फिटनेस है। अब मैं खुद कमेंट नहीं पास करूँगा, बट इसको बड़े सही तरीके से रखूँगा। अगर आप किसी योगा गुरु से मिलो या फिर किसी ऐसे महान योगी से मिलोगे ना, तो आपको बताएगा कि ये जिम फिटनेस कितनी टेम्परेरी होती है, अपने आप में कितनी टेम्परेरी स्टेज है ये। पर ठीक है, उसके डेप्थ में नहीं जाते हैं।
वो बहुत एक अलग टॉपिक हो जाएगा. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि पीपल जो भी लुक्स के दम पे उठता है ना, देखो ये मैं बड़े दिल से बोल रहा हूँ, एंड अगर आपके साथ कोई पेरेंट बैठे हो या कोई बड़े बैठे हो तो उनके साथ बैठना और ये चीज़ समझना कि जो भी लुक्स के दम पे उठता है ना, वो उसी मतलब वो बहुत टेम्परेरी स्टारडम का शिकार होता है, वो कोई लॉन्ग टर्म गेन नहीं है अगर उसके अंदर कोई अल्टीमेट टैलेंट है ही नहीं. और ये मैं जो भी मेरे यंग सब्सक्राइबर्स हैं या फिर कोई ऐसा इंसान जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, मैं उसको बोल रहा हूँ ये बात और बड़े दिल से बोलूँगा कि यार कभी भी लाइफ में मौका मिले ना कि आपको दो लोगों के बीच में चूज़ करना हो कि यार एक ने मेंटल पेन सहा है और एक ने फिज़िकल पेन, फिर जिम फिटनेस इज़ ऑल अबाउट फिज़िकल पेन, मेंटल पेन वाले की कोई फ़ोटो नहीं दिखेगी आपको कभी, बट लेकिन कोशिश करना लाइफ में अगर आपको इन दोनों में से चॉइस मिले फॉलो करने की. सो ऑलवेज़ फॉलो अ पर्सन जिसने मेंटल पेन सहा होगा, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ देता हुआ जाएगा. फिजिकल पेन बहुत लोग सह लेते हैं, अब ये बात बोलते हुए अजीब लग रही है बट लेकिन अगर आप सच्चाई देखोगे इंस्टाग्राम पे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ फिटनेस ट्रेनर्स. फिजिकल पेन सहना आसान होता है, मेंटल पेन सहना मुश्किल होता है. तो अगर आपको कोई मेंटल पेन सहने वाला या जिसने सहा हो लाइफ में कुछ किया हो वैसा कोई आदमी मिले, उसको झट से फॉलो करना और उससे सीख लेना. बट लेकिन अब आता हूँ क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप क्रिएटर हैं और तब भी आप लुक्स के दम पे उठ रहे हैं तो भी आप बहुत टेम्परेरी स्टारडम के शिकार हैं. इस चीज़ को बड़े बहुत डीप में जाके समझना पड़ता है कि अगर आप सिर्फ दिखावे के दम पे उठे हुए हैं इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, ऑलवेज रिमेंबर कि आज नहीं तो कल आपका पतन पक्का होएगा, क्योंकि कोई ना कोई कोई मतलब कोई और ऐसा आएगा ज़रूर उस इंडस्ट्री में जो आपको रिप्लेस कर लेगा. कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू भी बड़ा जल्दी फ्लक्चुएट करता है, मतलब अगर आप उनको आज अच्छे दिख रहे हो तो कल कोई ऐसा आया जो आपसे बेहतर दिखता हुआ, वो दो मिनट लगाएंगे आपके यहाँ से नज़र मोड़ने में और उस तक जाने में. अगर आपको मेरे पे विश्वास ना हो तो देखना है पास्ट के लोगों को उठा के देखना, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है जिनकी बहुत तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी. बिग बॉस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस, मतलब हर सीज़न में एक स्टार उठता है और उसकी बहुत तगड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, अगले साल तक सब ढह जाता है, फिर कोई नया स्टार होता है और लोग उसकी तरफ फॉलो कर रहे होते हैं. सो टेम्परेरी स्टारडम के, चाहे आप कंज्यूमर हो चाहे आप क्रिएटर हो, दोनों में अगर आप शिकार हो रहे हो उस चीज़ के, सो वहाँ पे बहुत बड़ा ग्लिच है, क्योंकि वो आज नहीं तो कल ख़त्म होगा. उससे बेहतर है कि आप एक अल्टीमेट टैलेंट के ऊपर फोकस करें, उसके दम पर उठें, उसको इम्प्रोवाइज करते चलें, बिकॉज वो लॉन्ग रन में आपको बहुत हेल्प करेगा. फिर फॉलोअर्स की चाहत से ज़्यादा आपको उस काम को इम्प्रूव करने की चाहत पैदा हो जाएगी, सो दैट इज़ मच बेटर. नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड कंसर्न, जो थर्ड कंसर्न है मेरा वो है कि यार आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना बहुत हैम्पर हो रही है. मतलब आजकल के बच्चों को अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करो ना तो उनको मैसेजेस करना तो बहुत तगड़े तरीके से आता है, बट जो वन ऑन वन कम्युनिकेशन होती है जो पुराने ज़माने में होती थी, आज के टाइम पे वो बच्चे बड़े लैक करते हैं. दैट्स वाई अ लॉट ऑफ जो यंग एम्प्लॉयज़ आते हैं कंपनीज़ में, उनके अंदर पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटी बड़ी लैक करती है, बिकॉज पूरी उनकी ज़िंदगी इस डब्बे से सीमित रही है, इस पूरे चीज़ के अंदर रही है, मतलब इसी के अंदर उन्होंने बातें करी हैं, इसी के अंदर उन्होंने समझा है, बट मैसेजेस डू नॉट कन्वे इमोशंस एट ऑल. आपको नहीं पता जब आप सामने किसी के खड़े होते हो तो किस तरीके से बात की जाती है. सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, अ लॉट ऑफ थिंग्स गेट हैम्पर्ड. अब मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू. पहले जब मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था और मुझे किसी ने समझाया था, वन ऑफ माई कोचेस टोल्ड मी कि यार लाइफ में हमेशा याद रखना कि सिर्फ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वक्त पे चुप रहना जानते हो, ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट होता है. अभी पीछे ही रिसेंटली हुआ कि एक ग्रुप में बड़ी लड़ाई हो रही थी ये सब लेके कि यार चाइना ने COVID-19 जानबूझ के फैलाया, उन्होंने इस चीज़ को जानबूझ के छोड़ा. सो व्हाट आई डिड इन दैट ग्रुप वॉज कि मैं उस ग्रुप में चुप रहा, क्योंकि मैं उस जगह पे था ही नहीं जब ये चीज़ हुई, मतलब वुहान सिटी में जब ये चीज़ फैली तो मैं उस समय था नहीं, तो मुझे उस चीज़ की रियलिटी पता ही नहीं है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर चुप रहा. बट बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल हैविंग सो मेनी व्हाट्सएप फेक फॉरवर्ड्स, मतलब उन तक इतने मैसेज आए हुए थे कि हर एक इंसान का ना पॉइंट ऑफ व्यू था, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को हर मतलब होता क्या है जब पांच लोग लड़ रहे होते हैं ना तो हर इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े स्ट्रांगली रखने की कोशिश करता है, और ये आजकल बहुत हो रहा है व्हाट्सएप फेक फॉरवर्ड्स की वजह से. अब इस चीज़ को थोड़ा डीप में जाके मैं टच करता हूँ, बड़े ध्यान से समझना कि यार आप ऐसे इंसान से बात ज़्यादा करना चाहोगे जो रियलिटी से कंसर्न बात करता हो, या फिर ऐसे इंसान से जिसकी खुद की थॉट एक व्हाट्सएप फेक फॉरवर्ड के ऊपर चलती हो. ऐसे बहुत लोग हैं आजकल, कम नहीं है, जो शिकार हुए पड़े हैं इन चीज़ों का, जिनको एक्चुअल में रियलिटी का कुछ पता ही नहीं है. मेरे को नहीं पता तो इसलिए मैं चुप था, बट नहीं पता होने के बावजूद सब कुछ बोल देना, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जो भी इंफॉर्मेशन आप तक ट्रैवल होकर आ रही है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वक्त पे चुप रहने वाला कई बार ज़्यादा ताकतवर होता है एज़ कम्पेयर टू कि फालतू का पॉइंट ऑफ व्यू फेंकता रहूँ, क्योंकि ऐसे लोगों से होता क्या है कि ऐसे लोगों से दुनिया बड़ी जल्दी दूर भागती है.
जो रियलिटी से कंसर्न्ड बात नहीं करता है ना, उससे दुनिया बहुत जल्दी दूर भागती है। आप कभी नोटिस करना, अगर हो सके तो किसी ऐसे बिजनेसमैन से जाकर मिलना जिसने 30 साल कभी काम किया हो, ही कैन टेल यू दैट। मुझे भी उसी इंसान ने सिखाया ये चीज़ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे क्वाइट इफ़ यू डोंट नो द रियलिटी, रादर दैन कि मैं सिर्फ एक ऊपरी ऊपरी बात करता रहूँ। बट आज के बच्चों के अंदर, आज के लोगों के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है बिकॉज ऑफ ऑल द फेक फॉरवर्ड्स। सो प्लीज़ बी अवेयर कि आप तक जो आ रही है उसके अंदर ऑथेंटिसिटी कितनी है। हाँ, अगर आपको ऑथेंटिकली वो बात पता है और आप शेयर कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड, देन इट्स नॉलेज शेयरिंग। बट अगर आपको ऑथेंटिसिटी नहीं पता और फिर भी आप शेयर कर रहे हो, तो भाई साहब आपको दुनिया बड़ी जल्दी उस ग्रुप से बाहर करेगी, देखना। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ। एंड अब बात करता हूँ उस फोर्थ कंसर्न के बारे में। सोशल मीडिया ना यार, आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए, आपको बड़ा लिमिटेड बना रहा है। मैंने इतना योग पढ़ा है और इतनी नॉलेज गेन करी है कि मैं आपको ये बात बड़ी कन्विक्शन के साथ बता सकता हूँ कि गॉड रिसाइड्स इन यू। इनफैक्ट आप ही भगवान हो, एंड उसको डीप में तो नहीं टच करूँगा, बट लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा दैट यू आर लिमिटलेस। मतलब आपके पास इतनी अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं ना जिनको आप अचीव कर सकते हो, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस दुनिया में जिसको आप एक्चुअल में बड़ी आसानी से मतलब उनको अचीव कर सकते हो। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया ने इतनी सी इन्फॉर्मेशन आपको कंसाइज करके दी होती है कि वही आपकी दुनिया है। मतलब अगर किसी बच्चे की दुनिया देखी जाए तो इतनी सी रह जाती है। आप 500 लोगों को फॉलो करते हो तो दैट इज दिन से लेकर रात तक आप वहीं हो। बट प्लीज़ डोंट गेट लिमिटेड बिकॉज ऑफ दिस। आप इसको यूज़ करना चाहते हो, यूज़ करिए, बट लेकिन डोंट गेट लिमिटेड। आप एक्चुअल में क्या हो, जिस दिन आप उसको एक्सप्लोर करने निकल गए, उस दिन मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि आपको रियल वर्ल्ड से प्यार हो जाएगा और उसको एक्सप्लोर करने में आपको और मज़ा आएगा एज़ कम्पेयर टू वर्चुअल वर्ल्ड। एंड आई से दिस विद अटमोस्ट कन्विक्शन। सो यू आर लिमिटलेस। बताना मेरा फ़र्ज है, एक्सप्लोर करना आपका फ़र्ज है, दैट इज़ अपॉन यू। तो अब भाई प्रॉब्लम्स तो गिनवा दी, अब आता हूँ सोल्यूशन के ऊपर। मतलब सारे कंसर्न्स तो मैंने शेयर कर दिए, अब मतलब मेन चीज़ आती है कि भाई इसका कोई उपाय भी तो बताओ। सो जब मैं अपने स्टूडेंट को ये चीज़ समझा रहा था एंड आई एक्सप्लेन देम ऑल द कंसर्न्स एंड एवरीथिंग, तो जब मैं उससे सोल्यूशन के ऊपर आया तो फर्स्ट सोल्यूशन जो उसने मेरी तरफ फेंका वो था कि यार इसका मतलब क्या, मोबाइल छोड़ दूँ, मतलब कि पूरी तरह इससे मैं डिटैच हो जाऊँ। तो फर्स्ट थिंग दैट केम इन टू माई माइंड एट दैट पॉइंट वॉज कि हाँ, ये फैक्ट है, ये एक सोल्यूशन है एक्चुअल में है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में यही किया था। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे पास एक फ़ोन था, इट वॉज नोकिया 5800 एक टाइम पे, एंड मैंने उसको 9th-10th में ही छोड़ दिया था। एंड उसके बाद मैं नोकिया 3310 पे आ गया था, एंड 11th-12th एंड इवन कॉलेज फर्स्ट ईयर, कॉलेज का सेकंड ईयर, कॉलेज के थर्ड ईयर के एंड तक मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था। मतलब मैं उस नॉर्मल बेसिक से फ़ोन से ही काम चला रहा था। एंड इसका ऐसा मतलब नहीं है कि मेरे फादर या मेरी मॉम मेरे को लेके नहीं दे सकते थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि मेरे अंदर से था कि यार मेरे को ये पूरा टाइम पढ़ाई को डेडिकेट करना है। एंड उस समय ही मैं स्पिरिचुअलिटी एंड इस सब में घुस चुका था, तो कैसे माइंड ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, क्या होता है, मैं उस चीज़ को बहुत दिल से एक्सप्लोर करना चाहता था। सो येस, इट इज़ अ सोल्यूशन कि आप मोबाइल छोड़ दो और आप बेसिक से फ़ोन पे आ जाओ। बट अगर मैं थोड़ी रियलिटी पे जाऊँ तो ये सबके लिए नहीं है। दिस इज़ ओनली फॉर पीपल हु आर एक्सट्रीमली मेडिटेटिव, मतलब जिनको अकेलेपन में मज़ा आता है, उनको अकेलेपन से डर नहीं लगता। लोगों को आमतौर पर अकेलेपन से डर लगता है, तभी तो ये सोशल मीडिया एंड ऑल इतना चलता है कि जहाँ पर आप लोगों से मिल सको, उनकी लाइफ के अंदर घुस के देख सको। सो दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो अब बात करता हूँ कि यार वो सोल्यूशन क्या है जो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड अपनी लाइफ के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। सो द सोल्यूशन दैट आई अराइव डैट वॉज कि ऑलवेज चूज़ द मिडल पाथ। अगर किसी ने भगवद गीता पढ़ी हो तो इसका जिक्र है, कृष्ण लीला पढ़ी हो तो भी इसका जिक्र हो रखा है कि उनसे एक बारी पूछा जाता है कि यार मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कम कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। सो ही आंसर्स इट इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर कि लाइफ में कभी भी दो चीज़ के बीच में आपको चॉइस करने में मुश्किल हो तो हमेशा मध्य पथ चुन लो, दैट ऑलवेज चूज़ द मिडल पाथ। एंड ये आप चाहो तो लाइफ की किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो, बहुत बहुत इफेक्टिव होता है ये। मैं मतलब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये बात कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस इन एवरी सिचुएशन। फ़ोन को पूरी तरह भी नहीं छोड़ना, बट लेकिन हाँ, अपनी करियर रिक्वायरमेंट्स, अपनी फैमिली रिक्वायरमेंट्स को सबसे पहले पूरा करना है, उसके बाद फ़ोन की जितनी ज़रूरत है उसको उतना ही यूज़ करना है। मैंने अपनी किसी फेसबुक वीडियो में इसके बारे में बोला था कि यू शुड लर्न हाउ टू गेट अटैच्ड येट गेट डिटैच फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब किसी भी चीज़ की एडिक्शन अच्छी नहीं है। लोग क्या है, एक्सट्रीम्स में जाते हैं। मतलब जैसे दारू, जो दारू पीते हैं उनको बोलोगे ना दारू छोड़नी है तो वो पूरी तरह छोड़ देगा और फिर थोड़े दिन बाद ऐसा उस पर वापस आएगा कि दबा के पिएगा। दिस इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन। अगर आपको छोड़नी है तो आप धीरे धीरे छोड़ सकते हो। यू शुड ऑलवेज लर्न हाउ टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ उस सिचुएशन के अंदर। बट लेकिन ये भी लोगों के लिए आसान नहीं होता है, तो उसको थोड़ा डीपली देखूँ, आ जाओ दिखाता हूँ।
सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ द बेसिक साइकी ऑफ अ ह्यूमन माइंड वर्क्स. देखना बड़े ध्यान से, आपका जो माइंड है ना वो एक्चुअल में सिर्फ दो एस्पेक्ट्स पे काम करता है. वन इज डिज़ायर एंड वन इज फेयर. मतलब कि आपकी जितनी भी शारीरिक वासनाएं हैं या मानसिक वासनाएं हैं वो आपको काम करवाती हैं, या फिर कोई डर है जो आपको उस समय काम करवाता है. एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. जैसे कि अगर आप अमेजोन पे सेलर बनना चाहते हो और आपको कोई आके मौका दे कि मैं आपको प्रोडक्ट देता हूँ और तू जाके बेच, तो ऐसे मोमेंट पे क्या होगा, उसकी जितनी भी जो भी थॉट प्रोसेस चल रहा था सब रुक जाएगा और उस फ़ोन को, मैं सारी चीज़ें आके फ़ोन पे ज़रूर रोकूंगा बिकॉज यही आज का टॉपिक रहा है. सो फ़ोन उस समय उस इंसान के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी क्योंकि उसी से उसका पूरा बिजनेस मैनिपुलेट होगा, सब कुछ करा जाएगा. दूसरी तरफ से सपोज करो एक स्टूडेंट है जिसके पेपर शुरू होने वाले हैं. अब ऐसे इंसान को ना कन्विंस नहीं करना पड़ेगा कि तू फ़ोन छोड़ दे. ऑटोमेटिकली अगर उसके पास एक महीना बाकी है उसके पेपरों में तो ऑटोमेटिकली उसका फ़ोन छूट जाएगा. अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करो तो चाहे ये वाला पार्ट हो चाहे ये वाला पार्ट हो, दीज बोथ आर टेम्परेरी फेजेज ऑफ लाइफ. ये आते हैं जाते हैं, ये आता है और जाता है. मैं बात कर रहा हूँ परमानेंट सोल्यूशन की. द परमानेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज़ इंस्पिरेशन, जो अंदरूनी तौर पर आती है. इसको रोका नहीं जा सकता. ये वो एनर्जी है जो यहाँ से फ्लो करती है टूवर्ड्स आउटसाइड. अब इस इंस्पिरेशन को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसके दम पर चलते हो, इट इज़ हाईली इफेक्टिव एंड इट इज़ स्टेबल फॉर लाइफ. जिसको मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जिस दिन स्टेबल हो गई, तो इंस्पिरेशन इज़ लाइक द स्टेबिलिटी जिसके अंदर आपकी सारी वासनाएँ और जितने डर है वो ढह जाते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आती है. अब इंस्पिरेशन के बारे में मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ, इंस्पिरेशन हमेशा किसी बड़े गोल के ऊपर ही रची जा सकती है. मतलब इसकी जो फाउंडेशन है वो किसी छोटे गोल पर नहीं रखी जा सकती. दैट गोल हैज़ टू बी मैसिव, amazingly huge. मतलब कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जिससे बहुत लोगों की लाइफ सिंप्लीफाई हो सके, कोई ऐसी सर्विस देना चाहते हो जिससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सके. जिस दिन आपके अंदर से आ गया ना कि यार मुझे कुछ लोगों के लिए करना है, उस दिन बिलीव यू मी आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो जाओगे. फिर ये एनर्जी अंदर से ही फ्लो करेगी, उसका और कोई रास्ता ही नहीं होगा. और दूसरी तरफ से आपने वर्चुअल रियलिटी की रियलिटी भी देख ली होगी, मतलब सोशल मीडिया वर्ल्ड को भी पूरी तरह समझ लिया होगा. जैसे ये दोनों चीज़ें आपके अंदर आ जाएंगी ना, तो अब आपका मोस्ट ऑफ द टाइम किस बात पे जाएगा कि मैं अपनी रियलिटी को इम्प्रूव करूँ, दैट इज़ मैं अपना टैलेंट को डेवलप करूँ या प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है उसको डेवलप करूँ, और दूसरी तरफ से सोशल मीडिया को यूज़ करूँ ताकि मैं इस रियलिटी को ऑगमेंट कर पाऊँ. मतलब अगर मुझे कुछ बेचना है या लोगों को कुछ इंस्पायर करना है तो सोशल मीडिया का पर्टिकुलरली यूज़ कर पाऊँ. उस दिन एक और चीज़ आपके अंदर आएगी, एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ मोड आएगा आपके अंदर कि मुझे कब जाना है, कितनी ज़रूरत से जाना है और कब वापस आ जाना है सोशल मीडिया से. उस चीज़ से आप अटैच्ड नहीं होगे. जो मैंने बोला ना कि यू शुड लर्न हाउ टू गेट अटैच्ड येट गेट डिटैच, वो कब होगा, जब इसके पीछे कोई बड़ी फाउंडेशन पड़ी होगी. डिटैच होने के लिए फाउंडेशन चाहिए होती है, अटैच होना तो बहुत आसान है. सो वट आई एम ट्राइंग टू से इज हैव अ बिग फाउंडेशन. उससे इंस्पिरेशन आएगी, इंस्पिरेशन के आते ही आपके अंदर ये स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड भी आ जाएगा और आप पूरी सोशल मीडिया को अपने हिसाब से टैकल कर पाओगे एंड इट विल बी एक्सट्रीमली पावरफुल. और अगर आप यंग स्टेज में, अभी करियर के स्टार्टिंग स्टेज में हो, देन दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस दिस. आइसोलेशन में और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस हो सकता है कि कैसे आप पूरे सोशल मीडिया को समझो, बैठ करके हर एक चीज़ को आप डिकोड करो. जो मैंने बातें बोली उसको एक्चुअल में ऑब्जर्व होते हुए देखो, इट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल. सो अब मैंने आज जो भी बोला प्लीज़ उसको सोचना ज़रूर, एज आई ऑलवेज से कि डू थिंक अबाउट इट. एंड अगर कोई आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हो कि मैंने मिस आउट कर दिया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, लेकिन अगर आपको इस चीज़ से कोई फ़ायदा हो तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.